पाकिस्तानी, तू भी है पाकिस्तानी, मैं भी हूँ पाकिस्तानी, तू भी है पाकिस्तानी। अनजान है एक दूजे से, ऐसी है अजब कहानी, हम जो हो जाए एक जहां है तुम्हें आए जहां, मौला उसने कहा देखो इंतजार है। ठन प्रोग्राम सीरीज में आज शोगरा में गुजरा दूसरा दिन पेश किया जा रहा है। वैसे तो इस बर्फ़ और मौसम में सिरीपाई तक जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं, लेकिन चलें देखते हैं कि कहां तक जा पाते हैं। तो मेरे साथ रहिए। अवेलेबिलिटीज में सिर्फ दो ही चीज़ें थी, ऑमलेट फ्राई एग और उसके बाद चने, तीन हो गई टोटल ना। और चने हो सुभान अल्लाह धुएँ उठ रहे हैं, वाह 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 वाह, लो जी शक्ल से तो बहुत अच्छा लग रहे हैं, कागज में तुम दसना वहाँ। अच्छा मैं ये भी कहा है साथ ऑमलेट है। अच्छा आप एक काम किया करें, ऑमलेट का जब आप ऑर्डर देते हैं ना तो सकेंगे यार इसमें वेजी ज़्यादा रखिए, इसमें प्याज और जो दूसरी चीज़ें ना ज़्यादा डाल दे, ये बहुत हाथ रोक के ऑमलेट बनाते हैं। साथ मैंने सारा मैंने नहीं खाना, मेरे साथ कैमरा मैन भी है, फिर आप कहते हैं बहुत खाते हैं, ऐसी कोई गल नहीं, इसमें करते हैं साथ, ये ही आपने हर साथ रखना है, चुके लाए ना पा मैं है। जब ये इतने रह जाएंगे ना फिर बताऊंगा कि नाश्ता कैसा बना है, बहुत आला सीरियसली ज़बरदस्त है। मैं वैसे एक्सपेक्ट नहीं करता था कि नाश्ता अच्छा मिलेगा, चने बहुत ज़बरदस्त हैं, अंडे भी बहुत ज़बरदस्त हैं, मैं भी विंटर में ट्रैवल की बात करें तो पाकिस्तान में मालम जब्बा जो कि वादिय सवात में है, नथिया गली और मरी का इलाका जो गलियात रीजन में बनता है, और शोगरा का मुकाम जो वादिय कागान में वाक़िया है। ये मकामात सर्दी के दिनों में सबसे ज़्यादा विज़िट किए जाते हैं। इसके अलावा कश्मीर भी ओपन होता है, लेकिन सहूलियात कम होने की वजह से ये पॉइंट सर्दियों में फैमिलीज़ की हिट लिस्ट पर नहीं होता। वैसे स्कर्दू और हमजा भी सर्दियों में नहायत खूबसूरत तस्वीर पेश करते हैं और एडवेंचर के शौकीन अफराद यहाँ का रुख करते हैं, लेकिन यहाँ मौसम शदीद सर्द होने की वजह से फैमिलीज इधर का रुख कम करते हैं। लोगों के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है ना वो है ये, अभी यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, मालूम जब्बा पे भी मैंने आपको दिखाए थे कि आपको वहाँ पे 100 रुपया ले रहे थे वो आपसे, और आप उनको पहन लें, आप जो स्किड करते हैं स्लिप का ख़तरा आपका ख़त्म हो जाता है, और ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात ये, जो आपके अपने शूज़ होते हैं वो अगर गीले हो जाएं तो फिर आपको बड़ी प्रॉब्लम होती है, रात सारी रात रिस्क लंघ जाती है। तो 150 रुपीज़ में, वैसे 200 भाई कह रहे थे, 150 रुपये में हमें मिल गए, ये शूज़ मैं पहनूंगा और उसके बाद हम थोड़ा सा ट्रैक वाला सीन भी कर लेंगे। ठीक है ना, शॉपर रखे हैं आप, शॉपर डाला हो ना पैर में तो पैर आराम से। ले जी, वैसे तो मेरा पैर 10 नंबर है और जब मैं शूज़ पहनता हूँ तो मुझे लगता है 11 नंबर हो जाता है, बड़ी मुश्किल से मुझे शूज़ आते हैं, ये मैंने पहन लिए हैं अगर आपको नज़र आ रहे हैं तो। मैं मुकम्मल रेडी हूँ, कैप ग्लव्स मेरे बैग में पड़े हुए हैं और ट्रैकिंग के लिए हम निकलने लगे हैं। अब मैं मेंटली भी कंफर्टेबल हो गया हूँ कि ठीक है यार, अब स्लिप उस तरह से हम नहीं होंगे, लेकिन फिर भी इसका ये मतलब नहीं है कि आपने बूट पहन लिए तो तुम नहीं पा दो, वो वाला सीन नहीं करना आपने, एहतियात फिर भी ज़रूरी है। तो चलते हैं,
आज सर्दी थोड़ी कम है और धूप भी थोड़ी तेज़ है। होटल से निकलकर सिरीपाय तक जाने का प्लान है, तो देखें कहां तक जा पाते हैं। अच्छा ब्रदर, आप लोग कहां से आए हैं? लाहौर से। सही सही, तो आपने प्री बुकिंग करवाई थी यहाँ पे, यहाँ के आपने वैसे ही देर एंड देन बुकिंग करवाई? नहीं, प्री बुकिंग करवाई थी। देखा, मैं जैसे मैंने आपको पहले कहा है कि विंटर में मोर देन 50% होटल बंद होते हैं, तो आपको प्री बुकिंग करवा लेनी चाहिए। ये जो फ्रेंड्स आए हुए हैं लाहौर से, इन्होंने भी प्री बुकिंग करवाई थी। तो कितने दिन का प्लान है आपका? हमारा इस वीकेंड पे 3 दिन का है। 3 दिन का है, तो पाए तक जाएंगे? डिपेंड करता है बाकी दोस्तों की, कोई कौन सा सीट देखा, यानी कि ना ही समझिए। सही सही, तो अभी आप यहाँ पे बताएं, आपको स्नो शूज़ भी मिल जाते हैं वैसे? जी जी, स्नो शूज़ का मैं उनको कहा है अगर पॉसिबल हुआ ना आप भी पहन लीजिएगा। तो कहाँ तक जाना है अब? ट्रैक से जाएंगे? जी ट्रैक तक जाएंगे, आप देखते हैं कि कहाँ तक जाते हैं। प्लान तो यही है कि बस इंजॉय करो, और जब आपको लगता है कि बस हो गई है तो वापस आ जाओ। सही सही, बाकी खच्चर वाला प्लान थोड़ा मुझे लगता है जैसे खतरनाक होता है। नहीं, हमारे एक भाई हैं खच्चर वाले, उनको बैठाएंगे हम। अच्छा, खच्चर वन व्हीलिंग ना स्टार्ट कर दे। वो हुआ था, बट उन भाई का थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया। चलो ठीक है भाई, इंजॉय करें। थैंक यू। थैंक यू। रात हल्की सी बर्फबारी भी हुई है और ट्रैक दोबारा बर्फ़ से भरा हुआ लग रहा है। वैसे तो बर्फ़ पर ट्रैक करना मुश्किल काम है, लेकिन इसका भी अपना ही मज़ा होता है। शोकरा के 2 किलोमीटर पहले जो इसका एंडिंग पॉइंट है, उससे 2 किलोमीटर पहले रेस्टोरेंट और होटल शुरू हो जाते हैं। हमारा पहला ही होटल था और यहीं से मैं ट्रैक करूँगा सिरीपाय का। वैसे तो मैं ऊपर तक नहीं जाऊँगा, हो सकता है मैं शोकरा तक भी ना जाऊँ। ये रोड है जहाँ से जिपें गुजर रही हैं, ठीक है, यहाँ पे आमदोरफ्त है लोगों की, और जैसे जैसे रिस्पेक्टिव होटल आता जाएगा लोग उतरते जाएंगे, ठीक है। शोकरा इट सेल्फ एक कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली एपिसोड में बताया था कि सर्दियों में अगर आप शोकरा आ रहे हैं ना, तो आपने यहाँ पे जस्ट चिल करना है, थोड़ी सी ट्रैकिंग करनी है, ज़्यादा भी नहीं करनी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप बिल्कुल जंगल में रह रहे हैं, यहाँ पे सहूलियात भी नहीं है आपके उस तरह से। तो इस पॉइंट से होटल स्टार्ट हो रहे हैं, मेरा सफ़र भी यहीं से स्टार्ट हो रहा है। जाते हैं आखिर तक कहाँ तक जा सकते हैं। खच्चर वाली फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन मैं उसको यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि खच्चर मुझे देख के मुँह उधर कर लेते हैं, ठीक है ना, और मैं भी उधर कर लेता हूँ, साफ बराबर हो जाता है। तो ये ट्रैक है, और आप मेरे साथ हैं कि नहीं बताता हूँ मैं आपको। रात को जब यहाँ पे बर्फ़ पड़ जाती है तो ट्रैक सारे बंद हो जाते हैं, फिर वेट किया जाता है कि 1 से 2 जीपें गुजरें और ये वाला जो रास्ता है ये बन जाए, फिर जीप इस ट्रैक के ऊपर चलती है। इसमें एक नुकसान ये भी होता है आपका कि अगर सेंटर वाला पास ऊंचा हो जाए तो जीप स्किड ज़्यादा भी कर जाती है, लेकिन प्रैक्टिस यही है। 2011 के बाद शोकरा में विंटर में लोगों ने आना शुरू किया था जीप पे। इससे पहले जो शौकीन लोग थे वो पैदल आया करते थे, लेकिन अब जीप ईजीली आती है। और दूसरा सीन ये है कि जैसे मैंने आपको बताया है, रात को जब बर्फ़ पड़ जाए तो रास्ते अभी भी ब्लॉक हो जाते हैं सारे, लेकिन फिर वेट किया जाता है 1-2 जीपें गुजरें और फिर ये वाला पाथ बन जाए जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो फिर इस पाथ पे जीप चलती है। थोड़ा सा भी राइट लेफ्ट होंगे तो जीप आपको जवाब दे जाएगी। तो बड़ा ट्रिकी है और बड़ा ज़बरदस्त सिलसिला भी है ये, जब आप एडवेंचर करना चाहते हैं तो बिल्कुल ज़बरदस्त सीन है। फिर आप ये देखें, ये बर्फ़ 5 दिन पहले पड़ी थी, 20 सेंटीमीटर की यहाँ पर फोरकास्ट थी, और इस साल की जो सबसे हैवी बर्फ़ थी वो पड़ी थी मेरा ख्याल है 24 या 25 जनवरी को। अभी तक निज़ाम यहाँ पे फुल टाइम बर्फानी हुआ है और रास्ता भी, ये जो आप देख रहे हैं सेंटर में, ये जहाँ से जीप गुज़रती है जिसकी मैं आपको बात कर रहा था, अच्छा एक्सपीरियंस है, लेकिन अपनी सेफ्टी को लाजमी रखें जहन में, क्योंकि लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हैं घाटी है, सीधा ही निज़ाम ख़राब हो सकता है, लिहाजा राइट साइड पे रहें।
जहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा ख़राब हो जाती है, कट शार्प हो जाता है, अंकल यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये आपके लिए रास्ता बनाते हैं और इसके लिए आप इनको जो आप से हो सके इनकी सपोर्ट भी करनी चाहिए, क्योंकि ये खुद से लगे हुए हैं और ये खुद से आपसे कहेंगे भी नहीं, ठीक है। ऐसे हम सैफुल मुल्क जाते हैं, पाए जाते हैं, तो रास्ते में आपको ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं जो आपके सफ़र को आसान कर देते हैं। तो चाचा जी पाए पे भी आप ही काम करते हैं, सही हो गया। तो लोग आते रहते हैं और ये आपका रास्ता आसान बना रहे हैं, तो आप इनकी भी इनका भी आप ख्याल करें, क्योंकि ये अपने तौर पे कर रहे हैं, ये कोई कंपल्शन नहीं है। ये देखेंगे जो जीप गुजर रही है, ये इन्हीं का रास्ता क्लियर किया गया। तकरीबन एक घंटा ट्रैक करने के बाद हिम्मत जवाब देने लगी तो वापसी का रखते सफ़र बांधा, क्योंकि वापस जाना भी एक काम था और सर्दी भी बढ़ने लगी है। करता हुआ जा रहा हूँ और ये बड़ा अच्छा फ़ैसला हो गया अल्हम्दुलिल्लाह कि होटल मेरा दूर था, ज़्यादा रश में नहीं लगे, और ऊपर से ये जो मैं ट्रैक करता हुआ जा रहा हूँ, मेरे पीछे देख रहे हैं, ये इतनी खूबसूरत और इतनी पुरसकून जगह है, और ट्रैक वाला भी इसमें एलिमेंट आपका आ जाता है, और इसमें आपको जो एक्टिविटीज़ लोगों के साथ करनी होती हैं वो भी पूरी हो जाती हैं। तो बस और दो चार मिनट में होटल पहुँचते हैं। वापस आ रहा था मैं शोगरा से, मुझे आज काफ़ी माशाल्लाह लोग मिले, अपने दोस्त मिले जो ग्रिपन ट्रिप देखते हैं। यहाँ पे वो GOT लिख गए हैं, गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं है ये, उससे बड़ी गेम है, बड़ा निज़ाम है ग्रिप ऑन ट्रिप। तो मेरे जिस दोस्त ने ये लिखा है उसका बहुत बहुत शुक्रिया, वैसे मेरा अपना हाथ बहुत ठंडा हो गया ये लिखते वक्त। तो आज का एपिसोड ग्रिप ऑन ट्रिप के इस लोगों के साथ गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कमेंट। ग्रिपन ट्रिप की इस साल की ठंड प्रोग्राम सीरीज़ अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रही है। इस सीरीज़ का आखिरी एपिसोड जल्द पेश करूंगा, जहां मैं जाऊंगा पत्रियाटा और शेयर करूंगा आपसे अपना एक्सपीरियंस। और अगर आप पाकिस्तान के नहायत खूबसूरत मुकाम मालम जब्बा को सर्दी में देखना चाहते हैं तो यहां क्लिक करें, और अगर सर्दी में करना चाहते हैं पाइपलाइन ट्रैक तो यहां क्लिक करें। ग्रिपन ट्रिप में मेरा खानों का और मुख्तलिफ इलाकों की सैर का ये सफ़र जारी है। मेरे साथ रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।